गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड वन, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास चैप्टर 5 पेज नंबर 42। टुडे वी विल लर्न अबाउट द मैजिक पॉरेज। आज हम लोग मैजिक पॉरेज के बारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम देखेंगे पेज नंबर 43। मैजिक पॉरेज मैंने जादू दलिया। Once upon a time, there was a little girl named Tara. एक समय की बात है कि एक छोटी लड़की थी, उसका नाम तारा था। She lived with her mother in a village. वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। They were very poor. वे लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। There was a big forest near the village. उसके गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। One day Tara went to the forest to look for food. एक दिन तारा भोजन की तलाश में जंगल गई थी। While she was walking, an old woman called out. जब वो भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी तो एक औरत ने उसे आवाज़ दिया। She asked, उसने पूछा, Dear, why are you here? उसने छोटी बच्ची को देख के सोचा, वही ये जंगल में क्या कर रही है? Why are you here? तो छोटी बच्ची ने कहा, वी आर वेरी पुअर एंड वी डू नॉट हैव एनी थिंग टू ईट। उस बच्ची ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि हम लोग के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आई हैव कम टू लुक फॉर समथिंग टू ईट। मैं यहाँ इस जंगल में खाने की तलाश के लिए आई हूँ, सेड तारा विद टीयर इन हर आइज। ये बात कहते हुए तारा के आँखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, इस पिक्चर में हम देखेंगे शी इज तारा और ये वो ओल्ड बूढ़ी औरत है। द ओल्ड वोमेन गेव तारा अ पॉट। उस बूढ़ी औरत ने तारा को एक बर्तन दिया। द वोमेन टोल्ड तारा, व्हेन एवर यू आर हंग्री से कुक। जब भी तुम को भूख लगेगी तो तुम इस बर्तन से कहोगी पकाने के लिए, तो ये तुम्हारे लिए पका देगा। और वेन यू वॉन्ट द पॉट टू स्टॉप कुकिंग, से स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप। और जब तुम्हारा खाना बन जाएगा और जब तुम इस बर्तन से कहोगी कि स्टॉप रुक जाओ, तो ये खाना बनाना बंद कर देगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी, शी रैन होम एंड टोल्ड हर मदर अबाउट द पॉट। तारा इस जादुए बर्तन को देख कर बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो दौड़ कर अपनी मम्मी के पास गई और मम्मी से इस सब बातों के बारे में जानकारी दी। दैट नाइट दे हैड स्टे पॉरेज फॉर डिनर। और उस रात उन लोगों ने अपने रात के खाने में पॉरेज बनाकर खाया, यानी दलिया। पेज नंबर 44 देखेंगे। द नेक्स्ट डे तारा वेंट टू प्ले विथ हर मदर फ्रेंड्स सॉरी तारा जो है दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। वाई तारा वॉज अवे, हर मदर फेल्ट हंग्री। जब तारा बाहर खेलने के लिए गई तो उसकी मम्मी को भूख का एहसास हुआ। तो उसकी मम्मी जानती थी कि यहाँ जादुई बर्तन है, तो वो बर्तन के पास गई और कहने लगी, कुक लिटिल पॉट कुक। उसने उस बर्तन से कहा कि हमारे लिए कुछ खाना बनाए। उसने क्या कहा, कुक लिटिल पॉट कुक, सेड हर मदर। उसकी मम्मी ने कहा। द पॉट स्टार्टेड टू कुक पॉरेज। फिर वो बर्तन जो है पॉरेज बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल द पॉट वॉज फिल्टेड विद द पॉरेज। उस समय के बाद उस बर्तन में पॉरेज बनना शुरू हो गया और वो भर गया बनते बनते। बट हर मदर कुड नॉट रिमेंबर द मैजिक। उसकी मम्मी को ये मैजिक याद ही नहीं आ रहा था, या उसे याद नहीं था कि इसे स्टॉप भी बोलना है, कि स्टॉप द पॉट फॉर कुकिंग। ठीक है, ये बात उसकी मम्मी को याद नहीं है और पॉरेज बनते बनते पूरे बर्तन में भर गया। द पॉट केप्ट कुकिंग मोर एंड मोर पॉरेज। उस बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉरेज बनकर भर गया। सून द पॉरेज स्टार्टेड टू ओवरफ्लो एंड
स्प्रेड ऑन द फ्लोर। जब ज़्यादा भर गया तो क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगा और ज़मीन पर गिरने लगा। द पॉरेज देन फ्लोड आउट ऑफ द हाउस, और घर में भर कर वो घर से बाहर की ओर बहने लगा। इन नो टाइम द होल विलेज वॉज फिल्डेड विथ पॉरेज। क्या हो गया कि पूरे गांव में पॉरेज जो है भर गया। द विलेजर्स केम आउट ऑफ देयर हाउस एंड कलेक्ट द पॉरेज, तो सारे गांव के लोग बाहर आ गए और वो जल्दी जल्दी अपने बर्तनों में उसे कलेक्ट करने लगे, यानी जमा करने लगे। तारा सॉ द पॉरेज एंड रैन टूवर्ड्स हर होम। जैसे तारा देखी कि इस तरह पूरा पॉरेज घर से बाहर पूरे गांव में भर रहा, लोग इसे अपने बर्तन में कलेक्ट कर रहे, तो वो दौड़ कर अपने घर गई। स्टॉप लिटिल पॉट, स्टॉप, शॉर्टेड तारा। तारा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी कि स्टॉप लिटिल पॉट, स्टॉप, रुक जाओ, बंद करो। द पॉरेज पॉट देन स्टॉप्ड कुकिंग। उसकी आवाज़ सुनकर वो जादुई बर्तन खाना बनाना बंद कर दिया। तो सिंस दैट डे नो वन एवर वेंट टू बेड हंग्री इन दैट विलेज। उस दिन से उस गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। दैट्स फॉर टुडे ओनली। थैंक यू चिल्ड्रेन, टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रेन।